ये 63rd BPSC का मैथ्स का प्रॉब्लम है। इसमें हम एक मैथ्स का प्रॉब्लम देखेंगे। ये BPSC 63 में पूछा गया है। इसमें ये सवाल ये है कि 11 से लेकर 90 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से भाग हो जाती है, संख्याओं को निकालनी है। मीन्स 11 से लेकर 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। ओके, ये 63rd BPSC में पूछा गया था। अब हम देखते हैं सवाल को। देखिए 11 से लेकर 90 के बीच में 7 के मल्टीपल्स को पहले निकालना है, मतलब 7 से जो संख्या मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब मल्टीपल कौन कौन है उसको निकालना है। तो 11 के बाद 7 का जो मल्टीपल होता है वो 14 होता है, 21 होता है, 28 होता है, 35 होता है, मतलब 7 के पहाड़ा को पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है आपको? जब तक 90 से पहले तक 7 का पहाड़ा नहीं आ जाए। मीन्स 11 7 के पहाड़ा पढ़ो, 7 के पहाड़ा में पहले 7 आता है, लेकिन 7 तो क्या है, 11 से छोटा है। 7 से दो बार बड़ा कौन, 11 से बड़ा कौन होगा, 14, मतलब 14 11 से बड़ा है। मीन्स 11 14 के बाद, 14 11 के बाद आता है, मीन्स 14 पहला हो जाएगा संख्या और 90 के पहले वाली संख्या। तो 90 के पहले वाली संख्या को अगर 7 के पहाड़ा को पढ़ोगे तो 84 जो होता है, 84 होता है, वो 90 के पहले की संख्या है जो 7 के मल्टीपल है। मीन्स पहला संख्या क्या है, 14 है, और लास्ट वाली संख्या क्या है, 84। अब 14 के बाद दूसरी जो मल्टीपल हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21, और तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 78, चौथा 35। मीन्स ऐसे मल्टीपल्स निकालना, ऐसे आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, बट एक मैथ्स का ट्रिक है, जो फार्मूलाज है वो फार्मूला AP का फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम इस संख्या को निकालेंगे। पहला संख्या क्या हो गया, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंसेस देखिए निकालते हैं। 7 में कितना, 14 में कितना जोड़े, 21 हो गया 7, फिर 21 में कितना जोड़े, 28 हो गया, फिर 28 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, मीन्स 35 हो जाएगा। ओके, तो 7 का डिफरेंसेस चल रहा है ना, प्रीवियस वाले से आगे वाले में 7 का अंतर है, मतलब इसका क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंसेस 7 हो गया, और ए पहली संख्या कितना दे रखा है, 14, और लास्ट वाली संख्या कितनी दे रखी है, 84। अब क्या निकालना हमें, एन, मतलब कितनी संख्या है। तो एन निकालने की एक फॉर्मूला होती है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो टी एन कितना है हमारी, लास्ट वाली मतलब nth टर्म की संख्या कितनी है, 84, मतलब 84। ए कितना है हमारा, 14, और एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंसेस 7। ओके फ्रेंड्स, अब इसको रखने के बाद हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 84 रख दिया, 14 रख दिया, एन माइनस 1 इंटू 7 कर दिया, यहाँ से इसको इधर किया, ये माइनस 84 माइनस 14 इक्वल टू 70, 70 हो जाएगा, और एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। 70 को 7 से भाग दिया, 10 हो गया, फिर n इक्वल टू क्या हो गया, 11। ये 11 जो है टोटल संख्या है जो 7 से विभाजित होंगे 11 और 90 के बीच में। ओके, कितना संख्या जो 7 से विभाजित होगा 11 और 90 के बीच में। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।